राधे ना गोपाला ओ भज राधे कृष्ण गोपाला भज राधे कृष्ण गोपाला भज राधे कृष्ण गोपाला जय श्री राधे सबसे बड़ा भजन क्या है? सबसे बड़ा भजन है कि हम अपने मन को शत्रु मान लें। ये उन्होंने अपने पिता से कहा था, जहि आसुरम भावम इमम त्वम आत्मना। पिताजी आप आसुरी भाव छोड़ दीजिए। बोले कैसे छोड़ें? बोले समम मनो धस्व न संति विद्वषा, मन समान बना लीजिए, खत्म। ये मन ही तो विषमता पैदा करता है। रिते जिताद आत्मन उत्पथस्थितात, पथस्थितात, ये जो मन हमारा उत्पथ पर काम क्रोध मोह लोभ आदि पैदा करता है, यही तो शत्रु है। अगर इसको शत्रु मान लिया, तद्धि ह्यनंतस्य महत्समरहणम, तो महत्समरहणम सबसे बड़ी पूजा यही है, यही भगवान कहते हैं। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मयु शत्रु, अरे उसको शत्रु समझो, मन को, विकारों को, जय शत्रु महाबाहु, मार डालो। लेकिन भाई कथा कह लिया ठीक है, अपने मन को शत्रु मानना, अपने बुद्धि को शत्रु मानना, ये एक बहुत ही असंभव सी बात है। कथा सुन लेना कह लेना अलग है। अगर शत्रु मान लोगे जिस दिन, उस दिन तुम मन की कोई बात मानोगे ही नहीं, कोई तुमसे भूल हो ही नहीं सकती। भूल होती ही है, मन को हम मित्र माने बैठे हैं। न कुर्यात कर चिस सौख्यम मनस यहन अवस्थिते, पंचम स्कंद में कहा सौख्य से मित्रता कभी मत करो। यदि विश्रम्भात चिराचीर्णम, यहां तक कहा है नित्यम ददाति कामस्य छिद्रम तमनुवीर्य, योगिना कृत मैत्रस्य पत्युर जाये वो पुंश्चली। पुंश्चली स्त्री का लक्षण लिखा है कि वो अपने पति को मरवा देती है अपने यारों से मिलकर के, और क्योंकि पति बाधा है। ऐसी घटनाएं हुई हैं, ऐसा नहीं केवल गप है कि अपने सगे ब्याहे पति को मरवा दिया। तो योगिना इसी तरह से योगी मने जो साधक है उसका मन भी पुंश्चली है, ये हर समय हमको तुमको मरवाता रहता है। कहीं काम में फंसा देगा, कहीं क्रोध में फंसा देगा, कहीं लोभ में फंसा देगा, वहां ये मिलेगा, वहां ये मिलेगा, इस तरह से हर समय हत्या कराता है। नित्यम ददाति कामस्य छिद्रम तमनियो ये रया, अरे हमारे जितने शत्रु उनको मौका देता है। कैसे? जैसे एक व्यक्ति थे, उनकी स्त्री शत्रुओं से मिली थी, वो सावधान होकर सोते थे हमेशा, किमाड़ बंद करके भीतर से ताला वाला लगा करके, उनको शंका हो गई थी कि हमारी स्त्री कहीं मरवा न दे। लेकिन एक दिन मौका मिली गया, उसने ताली वाली पहले से लगा रखा था, और बेचारे वो ताला लगा के सोए तो जरूर, लेकिन नकली तो दूसरी ताली से उसने रात को खोल दिया था चुपचाप, और आके पति के पास सो गई। अब वो तो विश्वास से सो रहे हैं, और शत्रु घुसे, और घुसते मान उसके पति को खत्म कर दिया। यही बात सुखदेव जी कहते हैं कि नित्यम ददाति कामस्य छिद्रम तमनु ये रया, ये मन जो है पुंश्चली है, ये हमारे शत्रु हैं उनको मौका देती है, आओ मार डालो इसको। काम है, लोभ है, क्रोध है, ये बात पंचम स्कंद में बात कही गई है। जहां सिद्धियां आई, ऋषभ देव जी ने सिद्धियों को नहीं ग्रहण किया, तो परीक्षित ने प्रश्न किया सिद्धि क्यों नहीं लिया, बिना मांगे आई, सब सिद्धि लौट डाल दिया। बोले इसलिए लौट डाल दिया कि अपने मन पर जो विश्वास कर लेता है वो एक दिन जरूर मरता है, वो कभी नहीं, कभी भी परमार्थ में नहीं चल सकेगा। तो वहां पर उन्होंने सुखदेव जी ने कहा है, इसलिए आई भाई सिद्धियों को लौट डाल दिया। जो मनुष्य अपने मन पर विश्वास करेगा वो मर जाएगा। चस्कंद तप ईश्वर, महादेव जी का तप नष्ट हुआ, मना किया था मोहनी रूप मत देखो आप,
अरे हमारी तुम्हारी क्या चलाई, हम तो कुछ नहीं है, महादेव जी तक लुट गए। कृपा करो राणा रानी, कृपा करो।